बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम, मैं सरजीत भाई क्रिस ग्रामर स्कूल से। बेटा 7th की साइंस का लेक्चर चल रहे हैं और आज हमारा चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 9 है। चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 9 है और उसका आज हम एफ पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे और पेज नंबर 36 पे एक्सरसाइज है ये। 36 पेज पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एफ पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दैट हाई कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर हार्ट। कि भी आपने साबित करना है कि अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो उससे दिल को क्या नुकसान होता है। तो ये आज का सवाल है। सबसे पहली बात ये बेटा ये कि कोलेस्ट्रॉल है क्या, पहले हेडिंग बनाई हुई है कोलेस्ट्रॉल की कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। बेटा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं चिकनाइयों को, कि अगर आपके ब्लड में चिकनाइयों की मकदार नॉर्मल मकदार से बढ़ जाए तो उसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कहते हैं या कोलेस्ट्रॉल होना कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज़ है लेकिन नॉर्मल मकदार से ज़्यादा हो जाए। आमतौर पर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 170 ग्राम पर ml के करीब करीब होता है, 170 के करीब राउंड अबाउट इतना होना चाहिए नॉर्मल पर्सन के अंदर। लेकिन अगर 170 को जो ही क्रॉस करता है तो उसके अंदर ब्लड में चिकनाइयाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उससे नुकसान क्या होता है, मैं आपके लिए एक ब्लड वेसल बना रहा हूँ, समझ लीजिए कि एक ब्लड वेसल है। तो बेटा इसमें ये ब्लड आ रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, जा रहा है ब्लड फ्लो। अब गौर करें कि ये चिकनाई के मॉलिक्यूल आ रही है, मैं चिकनाई के मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ये चिकनाई जाकर चलते 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 इस दीवार के साथ चिपकना शुरू हो जाएगी। अब ये मॉलिक्यूल आएगा ये भी यहाँ चिपकना शुरू हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल आएगा चलते चलते ये भी चिकना, अब यह चिकनाई के मॉलिक्यूल लगना शुरू हो जाएंगे, जिससे खून की नालियाँ अंदर से तंग हो जाएगी। नजर आ रहा होगा कि पाइप अंदर से बंद हो रहे हैं, जब पाइप अंदर से ये बेटा बंद हो रहे हैं तो ब्लड की जो फ्लो है इस तरह वो कम हो रही है। जब ब्लड की फ्लो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली हार्ट अटैक आ जाएगा, ये तो है ही है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या होता है, बाज़ औक़ात ये जो आपको चिकनाई यहाँ लगी हुई नजर आ रही है ब्लड प्रेशर के बढ़ने के साथ, ये चिकनाई ये मैं अब तोड़ के इधर ला रहा हूँ, देखे ये वहां से उतर गई है और यहाँ आ गई है। तो चिकनाई का कितना लोथड़ा से बन गया, ये लोथड़ा बहते 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 आगे जाएगा दिल में चला जाएगा, ये वाली चिकनाई जो है कहाँ पहुंच जाएगी, दिल में। और जब ये चिकनाई का लोथड़ा दिल में पहुंच जाएगा तो दिल के वॉल्स को बंद कर देगा। यूं ही दिल के वॉल बंद हुए हार्ट अटैक आएगा और बंदे की डेथ हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत खतरनाक है, ये हमारे लिए जहर है। तो इसलिए प्रॉपर एक्सरसाइज करें, चिकनाइयों वाली जो डाइट है वो कम इस्तेमाल करें, डेली वॉक करें, वॉक से जो है इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। तो अब हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, मजीद हम इसको अब बुक पे रीड करेंगे। तो मेरे साथ मिलके बुक खोलिएगा जी। बेटा आपने पेज 31 खोल लेना, ये मैं बॉल पेन वहाँ रख रहा हूँ, अंडरलाइन भी किया हुआ पेज नंबर 31 बुक का। तो वहाँ आपको लास्ट जो हेडिंग नज़र आएगी वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल ही है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात भी करके आता हूँ। तो अब मैं आपके लिए इसको रीड करने लगा हूँ। तो पहली लाइन छोड़कर दूसरी लाइन से लफ्ज लिखा होगा वेन, वहाँ से रीड करना है कि वेन देर इज़ टू मच कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, अगर हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ेगी, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बताया भी था, इट स्टिक्स ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है चिकनाइयों की शक्ल में उसकी दीवारों पर चिपकना शुरू हो जाएगा, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको चिपका कर भी दिखाया था। वेन विच कैरी ब्लड टू द हार्ट, दिस स्टिकिंग ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, इस तरह जूं जूं कोलेस्ट्रॉल चिपकता जाएगा, इज कॉल्ड आर्थरियोसेक्लेरोसिस। तो इस तरह चिपकने को आर्थरियोसेक्लेरोसिस कहते हैं। आर्थरियोसेक्लेरोसिस का मतलब होता है कि खून की नालियों का सख्त हो जाना, जब चिकनाइयाँ अंदर चिप जाएंगी तो खून की नालियाँ सख्त हो जाएंगी, वो भी सही तरीके से फिर ब्लड को फ्लो नहीं कर सकेंगी। आर्थरियोसेक्लेरोसिस का मतलब हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, यानी खून की नालियों का सख्त हो जाना। इट नैरोज द आर्टरीज, अंदर से नालियाँ तंग हो जाती हैं, कैन स्लो डाउन और ब्लॉक द ब्लड फ्लो, जिससे खून का बहाव कम हो जाता है टू द हार्ट, हार्ट तरफ। इससे क्या होगा, चेस्ट पेन होगी, सबसे पहले अलामत यही होती है कि सीने में दर्द उठता है, फिर हार्ट अटैक हो जाता है और उसके बाद मौत हो जाती है। तो बेटा आज का हमारा क्वेश्चन एफ पार्ट का पहला क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो गया है। आप इसको अच्छी तरह याद कर लें और अब इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको अगले लेक्चर में देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।